तो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नंदन न्यूज़ वीडियो। मैं हूं आपके प्यारे दोस्त एंड दोस्त जो कर। मुझे डर है कि वीडियो लंबी बन सकती है, इसलिए मैं ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता और मैं आपसे सिंपल से बात कर दूं, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। तो गाइस, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है लोकेश गमा की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि लोकेश गमा को मिल चुका है ब्लू टिक, जिसके बाद उनके सभी फैंस की खुशी की लहर देखी जा रही है। उनके सभी फैंस लगता है डीएम के जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोकेश गमा थक चुके हैं। तो गाइस, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है ऑलराउंडर गेमिंग की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि ऑलराउंडर गेमिंग को स्ट्राइक की धमकी मिली है। किसने दी, क्यों दी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो दरअसल ये मामला निकल के आ रहा है ऑलराउंडर गेमिंग के इंस्टाग्राम स्टोरी से। तो इसके बाद पूरी फ्री फायर कम्युनिटी में सनसनी मच चुकी थी। सभी लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये धमकी स्काई लॉर्ड की द्वारा दी गई थी। इसके बाद उन्होंने लिखा था, जिसका तरह सपोर्ट का उसने स्ट्राइक की धमकी। गाइस, ये पता नहीं कि स्काई लॉर्ड भाई ने स्ट्राइक की धमकी क्यों दी होगी। गाइस, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है पहाड़ी गेमर की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी गेमर ने स्काई लॉर्ड को रिप्लाई कराए। गाइस, अगर आपने माइकल की न्यूज वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने आपको कल एक न्यूज वीडियो क्लिप दिखाई थी, जिसके अंदर स्काई लॉर्ड कह रहे थे कि उन्होंने मट्टू का क्रेज पैदा कराए। तो इसी पॉइंट पर रिप्लाई करते हुए पहाड़ी गेमर कुछ ऐसा कहा, के अंदर ऐसे मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, कहता है कि मैं स्नाइपर का क्रेज लाऊं, मतलब स्काई लॉर्ड स्नाइपर का क्रेज लाया। रियली, तू स्नाइपर का क्रेज लाया? हमें तो स्नाइपर चलानी नहीं आती सर, एक टिप्स एंड ट्रिक बता दो यार स्नाइपर को। मैं बेवकूफ इंसान, ज्ञान गेमिंग पिछले एक साल से स्नाइपर चला रहा है, टोटल गेमिंग पिछले एक साल से स्नाइपर चला रहा है, पहाड़ी गेमिंग मैं तुम्हारा पापा पिछले एक साल से स्नाइपर चला रहे हैं, बेस्ट स्नाइपर ऑफ द ईयर भी मिला हुआ है, ठीक है? और क्या क्या गिनाऊं तेरे को, ऐसे बहुत प्लेयर है। बाला को ले ले तू, वासियों को ले ले तू, ठीक है? और अमन को ले ले, ठीक है? इतने स्नैपर प्लेयर्स के नाम गिना दूंगा, मुझसे लाख गुना अच्छे स्नैपर चलाते हैं। तू स्नैपर का क्रेज भाई, मैनिपुलेट करना बंद कर, ठीक है? तो गाइस, इसके बाद पहाड़ी गेमर ने स्काई लॉर्ड के क्वेश्चन का जवाब भी दिया था। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि स्काई लॉर्ड ने पूछा था, जब कैरी ने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बनाया था तो क्या उसने परमिशन ली थी? लॉजिकल वे में बातें कर और ट्रेक ब्लू जोन की। ब्लू जोन बेटा वो हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है? और हमारी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं है। जाके देख मैचेस, जाके देख रिकॉर्ड में कि पापा कहाँ उतरते हैं, ठीक है? टीम कहाँ उतरती है, टीम इलीट कहाँ उतरती है, देख। किसी को नहीं पता टीम इलीट कहाँ उतरती है, ठीक है? ये हमारी स्ट्रेटेजी है। ब्लू जोन कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है हमारा, M82 भी बहुत जगह मिलती है। तुम्हें ये भी नहीं पता M82 भी पूरे मैप में ब्लू जोन के अलावा और कहाँ मिलती है उस पर्टिकुलर प्लेस पे, पता है तुम्हें? गाइस, पूरे 5 मिनट से ऊपर स्टोरी थी। अगर मैं ऐसे ही कवर करता तो बाकी न्यूज नहीं देख पाते। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो का भी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा, अगर आपका मन हो तो आप देख सकते हो। चलो मैं अब आपको बताता हूँ कि कौन गलत है कौन सही है। अगर आप गेम खेलते हो तो आपको पता होगा कि हमारे गेम में डबल बैटर नाम की कुछ चीज आएगी। अगर आप डबल बैटर के सामने शॉर्ट गन ले आते हो, MP40 ले आते हो, तो कोई सी भी गन उसके सामने नहीं टिकेगी, आप मर जाओगे डबल बैटर के सामने। इवन दोस्त की बड़े बड़े जो प्रो प्लेयर होते हैं आपके, वो भी मर जाते हैं डबल बैटर के सामने। तो अब आप क्या चाहते हो, कि डबल बैटर हटनी चाहिए कि नहीं? सारे बड़े बड़े स्ट्रीमर चाहते हैं कि डबल बैटर हट जानी चाहिए। तो उसी पर स्नाइपर का क्यूक रिलोड ग्लिच है, जिसकी वजह से इन गेम में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। आपको भी किसी ना किसी ने M2 से मारा होगा जरूर। अब बात करते हैं कि पहले किसी ने क्यों नहीं उठाई थी इसके खिलाफ आवाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले क्या था, ओम था और K98 था, जिसके अंदर भी क्यूक रिलोड ग्लिच था, पर आपके पास ग्लूवल था जिसकी वजह से आप बच जाते थे। पर अब क्या हो रहा है कि M2 भी आने के बाद M2 भी आर पार मारती है ग्लूवल के। तो अब आपके पास ग्लूवल हो या ना हो, आप मरोगे तो जरूर। तो आखिर हम बोलने तो बोलने और करें तो करें क्या? तो फिर होना क्या था कि स्काई लॉर्ड ने इसके खिलाफ आवाज उठा दी। फिर पहाड़ी गेमिंग की गलती क्या हुई कि पहाड़ी गेमिंग ने इस पर रिएक्ट कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत महीने पहले क्या हुआ था कि ज्ञान गेमिंग और टोटल गेमिंग की लड़ाई हुई थी। क्या आप सभी जानते हैं क्यों लड़ाई हुई थी? क्योंकि ज्ञान ने अज्जू भाई तेरा बाप पे रिएक्ट कर दिया था। तो अगर वहाँ पर ज्ञान भाई ने अज्जू भाई पे रिएक्ट नहीं करा होता तो आपको आज कुछ अलग ही नजारा मिलता। शायद आपको अज्जू भाई और ज्ञान भाई एक साथ खेलते हुए नजर आते। तो सेम गलती यहाँ पर पहाड़ी गेमिंग से भी हो गई है कि उन्होंने स्नाइपर रिलोड पर रिएक्ट कर दिया। जैसे कि एक बार और हुआ था नूब गेमिंग BVF और रॉकी एंड आरडीएस के बीच में। अगर आपने मेरी बहुत पहले वाली न्यूज वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनके बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सिर्फ इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। और हाँ, रही बात स्काई लॉर्ड की, तो मैं आपको बता दूं कि स्काई लॉर्ड ने साफ साफ कहा था कि उन्हें स्नाइपर प्लेयर से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें सिर्फ गाइना से प्रॉब्लम है, क्योंकि गाइना ने अभी तक इस ग्लिच को हटाया नहीं है। मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ। गाइस, जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि साउथ एशिया शोडाउन को 2 साइड गेमर ने जीत लिया है। 6 मिनट की वीडियो बन चुकी है, मैं इससे लंबी वीडियो नहीं बनाता कभी भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरा ओपिनियन सही लगा हो तो। अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं आपके लिए कौन न्यूज़ वीडियो बना दूंगा, जैसे रोमियो गेमर का रिप्लाई, स्काई लॉर्ड ने क्या कहा है और 2 साइड गेमर का क्या इस पे रिएक्शन, और वासो CR7 का भी रिएक्शन निकल के आ रहा है। चलो बाय बाय, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कुछ नहीं बोला मैंने, ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।